हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है, इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ, उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। इटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है, इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ, उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। इटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में
397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पटन ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है, इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है, इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है।
पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने जीरो से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। इटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने जीरो से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई
और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी। वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें रीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है, इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी। वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से
चार साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें रीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी। वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें रीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है।
इसने वर्ल्डवाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्डवाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने जीरो से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें रीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्डवाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्डवाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने जीरो से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें रीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर
जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी। वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। इटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी। वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई
और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी। वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है, इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी। वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी।
जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। इटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। इटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है।
इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने जीरो से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है, इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। इटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने जीरो से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है, इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। इटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी।
इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। ताइवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी। वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें रीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। ताइवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी। वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें रीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान
जापान में रिलीज होने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें लीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है, इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान, पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी। वही पठान ने ओवरसीज में 397 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान ने ओवरसीज में 397
करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। पठान जवान से कमाई में थोड़ी पीछे थी, वैसे पठान भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने 0 से 4 साल बाद 2023 में पठान के साथ दमदार वापसी की थी। जवान और डंकी भी आई थी। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया पैसे छापे थे। बताया जा रहा है कि वे सुजय घोष के साथ एक्शन फिल्म किंग पर काम कर रहे हैं। अब खुद शाहरुख खान इसमें रीड रोल कर रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में शाहरुख खान की फिल्म जवान जापान में रिलीज होने वाली है, इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ। उनकी एक ही साल में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों फिल्मों ने ही झंडे गाड़ दिए हैं। इनमें जवान पठान और डंकी शामिल है। इन तीनों फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जवान थी। अब किंग खान की यह फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज होने के एक साल बाद जवान अब जापान के सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। एटली के एक्शन फिल्म इस साल के आखिरी में 29 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इससे 5 महीने पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएंगी। जवान को जापान में ट्विन नाम की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। वे जापान में इंडियन फिल्मों के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। इस कंपनी के एक्स अकाउंट पर जवान की रिलीज डेट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में जवान को भारत की सबसे 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसके साथ ही यह बताया है कि इसकी टिकट पहले खरीदने वालों को शाहरुख खान के गाने चलिए के पोस्टर गिफ्ट में दिए जाएंगे। जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रिया मनिक, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आए थे। जवान चीन को छोड़कर विदेश में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म है। इसने वर्ल्ड वाइज 160 करोड़ की कमाई की थी। इसने ओवरसीज में 400 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। वही उनकी शाहरुख खान की एक और फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइज 155 करोड़ की कमाई की थी।